आज शिम ब क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स हायर सकेंडरी स्कूल आज का हमारा टॉपिक जो है वह वेव फ्रंट अव फ्रंट इज़ डिफाइनड एज द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज उसका उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वह हैं स्फेकल वेव फ्रंट स्फेरिकल वे फ्रंट इज़ वन दर्स Of light is uh, a point source, then the shape of the wavefront will be spherical, with uh, with source of light at the center of the sphere. Or uh, cylindrical wavefront when the source of light is linear. Uh, for example, a slit, then front uh, formed is cylindrical. This is cylindrical shape, and this is spherical shape. Plane wavefront uh, when the source of light uh, is at a very uh, large distance, then the small uh, portion of a spherical or cylindrical wavefront appears to be plane Such as uh, such a wavefront is called a plane wavefront. to figure of plane wavefront. It should be noted that the ray of light are always perpendicular to the wavefront, as shown. ye uh, uh, jo hai, uh, स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो है वेव फ्रंट जो है उन पे जो रे अपलाइट है वो ऑलवेज पर पेंडिक्यूलर टू देव फ्रंटेज पर पेंडिक्यूलर टू देवनज प्रिंसिपल है इज यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द गि फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ इट्स प्रजेंट पोजिशन इज नोन तो हाइगन ने uh, uh, कुछ लॉज uh, निकाले हैं uh, Uh, जो कि वेव फ्रंट जो कि ने कुछ लाज निकाले हैं जो कि वेव, वेव फ्रंट के इफेक्टिव हैं जो वेव फ्रंट के इफेक्टिव हैं वो है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द फ्रंट्स एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट the velocity of of secondary is same as as that of primary wave front and is equal to the velocity of light and is equal to the velocity of light टू तो दिलास हमें पता होना चाहिए ये जो हमें बता रहा है प्राइमरी सोर्स क्या है वेव में एक पहले तो वेव फ्रंट समझ में आनी चाहिए अगर हम एक बाल्टीन ले, ले लेंगे बाल्टीन में पानी डाल देंगे तो बाल्टीन का जो पानी है मान लीजिए उसमें एक पत्थर मार देंगे या कहीं किसी चीज़ से हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो पानी इसमें डिस्टर्ब होगा तो डिस्टर्ब होने से उसमें जो वेव्स निकलते हैं वो पत्थर मारने से स्टार्ट होती हैं तो वही वेव फ्रंट वही एग्जांपल्स हैं वेव फ्रंट के तो उसी तरीके से लाइट की भी जो है वे वेव, वेव फ्रंट्स बनती है वेव लाइटस बनती हैं तो वो वेवलाइट मान लीजिए एक सोर्स स्टार्ट होती है उसको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं यही मान लीजिए एस जो है ये प्राइमरी सोर्स है इसके बाद जो भी वेव बनती हैं जो कि वेव बनती हैं वो सेकेंडरी इनको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं तो सबसे पहले जब डिस्टर्ब होती है तो वो जिस पॉइंट से होती है उसी को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं तो बाद में वो सेकेंडरी सोर्सेस बनती हैं तो ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं ये इस वेव को प्रोपगेट करती हैं ये इस वेव को प्रोपगेट करते इस तरह से हम अगर मान लेंगे ये जो हमने रेड दिखाई है ये जो है ये सेकेंडरी वेव है तो ये इसका प्राइमरी वेवलेट uh, है तो ये इसका सेकेंडरी वेवलेट है तो ये था पहला एवरी पॉइंट ऑन द फ्रंट एक्ट एज न्यू वेवलेट कॉल्ड एज द दिलास्टी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एज द प्राइमरी टू ऑफ लाइट इसके बाद है uh, uh, a tangent or an envelope to the secondary wavelet is in a forward direction at any instant gives us the position of the secondary wave front at that point a target envelope of the uh, to the secondary wavelet in the forward direction at any instant gives us the position of the secondary wave uh, front at that instant at that instant मतलब अगर हमने ये लिया सेकेंडरी वेवलेट और ये तो प्राइमरी वेट तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो है ये वो है ये इस तरह से इस तरफ से इस एरो एरो की तरफ से ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो ये इसका बैकवर्ड डायरेक्शन है तो इफेक्टिव ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ये कह रहा है ये इफेक्टिव है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये चीज़ है ये इफेक्टिव है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इसका इसके जो सेकेंडरी uh, वेवलेट uh, की जो टेंजेंट्स हैं वो टेंजेंट्स हमें जो है वही इसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं वही इसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं मतलब अगर ये सेकेंडरी वेवलेट है यहाँ एक दूसरा यहाँ है तीसरा यहाँ है तो यहाँ से इसका ये टेंजेंट बनता है इसका ये टेंजेंट बनता है इसका ये तो इस तरह से एक करू बनती है ये यही हमें इसकी जो पोजिशन है वो दे रही है वेव फ्रंट की तो थर्ड पार्ट है इसका इन एमोजिनस मीडियम द वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव तो ऑलवेज डायरेक्शन टू देव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्रपेगेशन इसके uh, जो रेज है उनके uh, ये जो है फ्रंट ये इनके नॉर्मल होती है तो ये इनके नार्मल होती है ये इसके रेज के जो है लाइट रेज है उनके जो वेव फ्रंट हैं वो इसके नॉर्मल होते हैं Text students